and welcome to Alpha Special. Today we talk about early signs of delay, speech and language. Today we are with Vikas Tripathi, who is speech and language pathologist. So have a look on this video. Myself Vikas Tripathi, I am speech and language pathologist too. आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली साइन ऑफ डिले स्पीच एंड लैंग्वेज. अर्ली साइन 0-3 इयर्स के बच्चों में क्या ऐसे रेड फ्लैग या सिम्टम दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन की इनका डिले है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से वीडियो में बताऊंगा, आपको लास्ट तक देखना होगा. इससे क्या होगा, कुछ बेसिक जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो स्किप ना हो अगर आप लास्ट तक देखेंगे. तो जैसे हमें पता है कि जब प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, ये 3 क्राइटेरिया होता है प्रेगनेंसी ड्यूरेशन का. प्रीनेटल प्रेगनेंसी से पहले, नेटल एंड पोस्टनेटल, इस ड्यूरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हमें रेड फ्लैग मतलब एक संकेत मिलते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो अफेक्ट होगा. तो जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल में जिन बच्चों के साथ कोई कंडीशन हो जाती तो उसे हमें ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें देखना है कि बच्चे की प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं हुई है जो आपको गायनोकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन ज़्यादा बेटर आपको बता सकते हैं. एज ए स्पीच थेरेपिस्ट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आफ्टर बर्थ के बाद, तो बचपन में क्या ऐसे सिम्टम दिखे तो हमें स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिले है या इसमें अफेक्ट हो रहा है, क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही है बच्चों में, वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जब बच्चा 0-3 मंथ का होता है तो उसकी कोइंग स्टार्ट हो जाती है. कोइंग आम भाषा में कहें कि जब बच्चा वॉवेल वाले साउंड जैसे आ, ई, ऊ, इस तरीके के साउंड निकालता है 0-3 मंथ में, ये कोइंग स्टेज है. तो हम ये 3 मंथ तक के स्टेज को देखें कि बच्चे के अंदर कोई इंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है साउंड का, वॉवेल साउंड का. कोइंग के बाद बैबलिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों में जनरली 6-10 मंथ के बीच में बैबलिंग. तो इसमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों स्टार्ट हो जाते हैं. तो बच्चा कोई साउंड नहीं, मतलब एक साउंड कराएगा, वोकैबुलरी नहीं होगा, साउंड बच्चा इमिटेट करेगा इंटरेक्ट करने में, जैसे ब ब म म म, ये थोड़ा रिपीटेटिव बड़ा रहेगा, जैसे म म म, ब ब ब, किका आ ऊ. और सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो मदर के साथ इंटरेक्ट करेगा. अगर मदर उसको देखेंगी, इंटरेक्ट करेगी, वाह मेरा बच्चा, हक करेगी, तो वो स्माइल करेगा या रो के अपना इंटरेक्शन दिखाएगा. तो बच्चा रो के अपनी नीड एक्सप्रेस करता है, अगर उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, अच्छे से आई कांटेक्ट देंगे तो वो अच्छे से इंटरेक्ट करेगा. तो ये अर्ली साइन होता है कि बच्चे में सब कुछ डेवलपमेंट सही चल रहा है. तो कूइंग एंड बैबलिंग ये देखना है कि 1 ईयर के आसपास तक ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, बच्चा छोटे छोटे वोवेल, कॉन्सोनेंट या इंटरेक्ट करने लगता है. अगर 1 साल तक बच्चे के अंदर आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है और वो रिस्पांस नहीं कर रहा है आपके बार बार बुलाने पे, नाम जो भी रखा आपने, तो पहले हमें ये करना है कि अगर नाम पे रिस्पांस नहीं कर रहा है या इंटरेक्ट पे नहीं कर रहा है तो पहले हमें हियरिंग टेस्ट भी करा लेना चाहिए. कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, हियरिंग लॉस होता है या हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, तो उसके लिए आप ENT के पास जाएंगे या स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो बेरा टेस्ट करते हैं, बेरा टेस्ट करेंगे और आपकी जो भी ऑडियोमेट्री, तो बड़े एज में बच्चों में होता है तो बेरा टेस्ट करेंगे. इससे पता चलेगा बच्चे की जो हियरिंग सेंस है मतलब ऑडिटरी, वो सही काम कर रही है. तो ये हमारा एक बड़ा पॉइंट होता है कि लोग कहते हैं 1 साल तक बच्चा रिस्पांस नहीं कर रहा, नाम लेने पे इंटरेक्ट नहीं करता, तो हियरिंग टेस्ट हो गया, तो दैट्स व्हेन हमें एक एडवांटेज हो गया कि बच्चे के अंदर हियरिंग नॉर्मल है. उसके बाद से विजन का है, विजन तो जनरली आप देख के पता चल जाता है, या अगर कुछ कन्फ्यूजन लगे इसको तो आप आई के मतलब जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट कर ले. तो हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हियरिंग हो गया, आईज हो गया, ये हमारे नॉर्मल चल रहे हैं. तो बच्चे का रिस्पांस कैसा है, रिसेप्टिव स्किल्स कैसी समझ है, तो जो कम्युनिकेशन करते हैं तो रिसेप्टिव वेज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेसिव वेज कम्युनिकेशन. तो 0-1 ईयर में बच्चे के अंदर रिसेप्टिव कैसा, समझ कैसी है, नाम पे रिएक्ट कर रहा है, कोई साउंड अगर उनके आसपास चलता है, कोई ट्वाइज साउंड वाले होते तो बच्चे मूव करके देखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने आसपास एटमॉस्फेयर में जो चीज़ हो रहा है उस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं. कोई उन्हें गोदी ले रहा है, मम्मा के अलावा कोई गोदी ले रहा है तो वो रोने लगते हैं, या जो फैमिली मेंबर है, अगर वो ज्वाइंट फैमिली है तो ठीक है, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो पेरेंट्स को, मदर या फादर को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा और 1 साल तक ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी. तो ये अगर 1 ईयर तक कोइंग, बैबलिंग या बच्चे के अंदर रिसेप्टिव स्किल्स नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं,
कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये रिस्पॉन्स आता तो है लेकिन कम आता है, तो वो भी डिले डेवलपमेंट में काउंट होता है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर तो वो कंडीशन होगी सीवियर का। अगर माइल्ड डिले है, मतलब थोड़ा कम आया एज वन ईयर के हिसाब से, तो उसको बोलेंगे माइल्ड डेवलपमेंट डिले। तो ये हमारा वह रिसेप्टिव स्किल्स की बात कर रहा था कि समझ। दूसरा हमारा होता है एक्सप्रेसिव स्किल, एक्सप्रेस करना। तो बच्चा मम्मा बुला रही है, आजा आजा, या कोई नाम लेके बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो और कुछ बोलते, बुआ बुआ, दादा, कुछ भी, तो वो साउंड निकालने की कोशिश करता है। तो ये हमारा वन ईयर का डेवलपमेंट हो गया, तो इसमें हमें ध्यान देना। फिर वन टू वन एंड हाफ ईयर, डेढ़ साल के बच्चों में क्या इंटरेक्शन होता है, तो डेढ़ साल के बच्चों में इंटरेक्शन ये होता है कि वो फिर साउंड बनाने लगते हैं, वोकैबुलरी बनाते हैं। जो साउंड बन रहा था ये वोकैबुलरी में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे मम्मा पापा बाबा, ये बायलेबियल साउंड जो होते हैं वो डेढ़ साल तक आ जाते हैं। नेजल साउंड भी, नाना नानी, ये साउंड भी आ जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चा एक से डेढ़ साल में इमिटेशन स्किल स्टार्ट कर देता है, इमिटेशन में रिपीट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो साउंड बताया था कि कूइंग, बैबलिंग, ये कूइंग आपका 0 to 3 मंथ में हो जाना चाहिए, बैबलिंग वगैरह आपका 6 to 10 मंथ में हो जाना चाहिए। वन ईयर से लेकर डेढ़ साल के बीच बच्चे की इमिटेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब वो रिपीट करने लगे, मम्मा पापा आप बुलवाओ, कुछ भी ऐसा, दे दे, बाय जैसे जनरली करता हूँ, ये रिपीट करने लगता है। तो इमिटेशन बहुत नेसेसरी है। बहुत पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि इसके पापा या मम्मा जो है देर से बोलना स्टार्ट किए थे, तो मैंने वही बोला कि डेढ़ साल तक अगर आपके अंदर कूइंग बैबलिंग भी बच्चे के अंदर नहीं स्टार्ट हुआ है, दैट्स मीन कि वो रेड फ्लैग है, खतरे है, मतलब एक आम भाषा में कहें तो डिले डेवलपमेंट है। और ये हमें बड़ा ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि डेढ़ साल तक कुछ नहीं कर रहा बच्चा तो बाद में 2 साल कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एसोसिएट कंडीशन में मैंने जैसे बताया आपको, हियरिंग टेस्ट भी करा लेना है कि बच्चा सुन रहा है प्रॉपर, उसके बाद से उसका एक जनरल एक रिफ्लेक्स देखेंगे कि उसकी आईक्यू कितना है। तो जनरली वैसे आईक्यू 5 ईयर के बाद काउंट होता है डीक्यू। तो ये प्रोफेशनल जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं या उनका फॉलोअप ले सकते हैं कि बच्चा डेढ़ साल का हो गया, क्या क्या इसके अंदर डेवलपमेंट, जो मैंने बताया कूइंग बैबलिंग, इमिटेशन हो गया, बायलेबियल साउंड हो गया, नेजल साउंड हो गया, ये सब ओरिजिन हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। जिन बच्चों के अंदर थोड़ा मतलब कूइंग बैबलिंग थोड़ा 1-1.5 साल में हो तो उनको बोलते हैं डिले डेवलपमेंट, लेकिन जिन बच्चों के अंदर बिल्कुल ये भी नहीं स्टार्ट हुआ तो वो सीवियर कंडीशन में आते हैं। अब हमारा थोड़ा डेढ़ साल तक अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो हम एक दूसरा वे हमारा होता है कि बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी तो नहीं है, जैसे कुछ बच्चे हैं कि बचपन से फीडिंग नहीं कर पा रहे थे तो वो सीपी में आता है, जो हाफ साइड बॉडी का अपेक्ट होता है, तो टाइप होते हैं, तो सीपी भी हो सकता है। या बच्चे अपने आप में इन्वॉल्व रहता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता है, अपने सेम एज ग्रुप, जब 1.5 से 2 साल स्टार्ट होता है बच्चों का तो वो सेम एज ग्रुप के साथ मिक्स होने लगता है, या फैमिली मेंबर में मदर के साथ और लोगों के साथ भी मिक्स होने लगता है। तो 1.5 से 2 साल में जो अच्छे से मिक्स होगा, मतलब क्योंकि उसकी वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है 1 से 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वॉक करके वो दादा दादी, अगर न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, तो दादा दादी भैया अगर है, उसकी सिस्टर है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा। तो इंटरेक्शन अगर स्टार्ट करेगा तो वो सराउंडिंग से चीज़ें लर्न करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया कूइंग बैबलिंग, जार्गन, इमिटेशन, बायलेबियल, नेजल, ये सारे साउंड एक पैरामीटर के हिसाब से माइल्ड स्टोन है। तो ये सारे माइल्ड स्टोन अचीव नहीं हो रहा है, वो 1 से 1.5 साल या 1.5 साल का हो गया, अपने एज ग्रुप के साथ या बड़े एज वालों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, फैमिली मेंबर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, तो ये भी रेड फ्लैग है। इससे क्या होगा है कि बच्चे का बिहेवियर और इंटरेक्शन नहीं डेवलप होगा, तो वो सराउंडिंग से सीखेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए हमें पहले हमारा आई कॉन्टैक्ट नेसेसरी है, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाके या डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तभी हम नई नई वोकैबुलरी सीखते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट अगर बच्चों के अंदर नहीं आएगा तो ये स्पीच एंड लैंग्वेज के मेजर रोल अदा करते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन को डेवलप करने में। तो हमें 1.5 से 2 साल में ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, उसका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, फैमिली मेम्बर के साथ कैसा बिहेवियर है, कभी कभी जो लोग उसके सेम एज ग्रुप के लोग मिलने आ रहे हैं उनके साथ कैसा इंटरेक्शन का। तो ये सारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद जब अगर ये आपको दिक्कत लगे कि बच्चा सेम एज के साथ नहीं कर रहा है या इंटरेक्ट नहीं कर रहा है या जो उसके आसपास के फ्रेंड्स हैं बच्चे जो हैं उनके साथ नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। फिर हमारा माइल्ड स्टोन होता है 2 to 3 ईयर्स में।
तो 2 to 3 years में क्या होता है, बच्चे के अंदर वोकैबुलरी और सिंपल सेंटेंस ओरिजिन हो जाता है। बच्चा एक अपनी नीड एक्सप्रेस करने लगेगा और एक बोलेगा, जैसे पानी दे दो, खाना दे दो या फोन दे दो। तो वो 1.5 से 2.5 साल के बीच में बच्चे के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी नीड को एक्सप्रेस करने लगता है। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, नीड एक्सप्रेस करने के लिए पॉइंट आउट करेंगे, मम्मा का हाथ पकड़ के किचन में ले जाएंगे या ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे, बोलेंगे दे दो। तो ऐसा जो रिफ्लेक्स बच्चा करे, दैट्स मीन कि डिले एंड स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन। तो ये भी जो संकेत दे रहा है बच्चा, दैट्स मीन कि उसके अंदर स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की 0 to 2.5 साल, मतलब जो मेजर रोल होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का वो 0 to 3 years का होता है। इसमें कूइंग मैंने डिस्कस किया आपके साथ। कूइंग में क्या होगा, बच्चा जो वोवेल साउंड है वो उसको थोड़ा इमिटेट करेगा, थोड़ा सा बा 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 आ आ ई ई, फिर बैबलिंग करेगा। 6 months से 10 months में बैबलिंग में क्या होगा, वोवेल के साथ कॉन्सोनेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा थोड़ा इंटरेक्ट करते समय मम्मा बा 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 दद्दा, मतलब साउंड निकालेगा लेकिन वो प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं होगा। लेकिन 1 से 1.5 साल में वो वोकैबुलरी ड्रॉ करने लगेगा, पापा मम्मा दीदी नाना, बायलेबियल नेजल वीरल डेंटल, ये साउंड ओरिजिन हो जाते हैं। 1.5 से 2.5 साल के बीच में उसके अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वो सेंटेंस फॉर्मेशन में करेगा, पानी दे दो, फोन दे दो, नीड एक्सप्रेस करेगा। तो ये सारे आइडियल माइलस्टोन मैंने बताया, जो कूइंग से लेकर, कूइंग बेबलिंग से लेकर 1.5 साल में जब उसको इमिटेशन आएगा, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर ये सारे 2.5 साल तक बच्चे के अंदर माइलस्टोन अचीव नहीं हो रहे हैं तो दैट्स मीन कि उनके अंदर रेड फ्लैग है पॉइंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के। हियरिंग टेस्ट बहुत नेसेसरी है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि ऑडिटरी स्किल्स कैसी है, बच्चे का सुनाई पड़ रहा है तभी, क्योंकि कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें पहले सुनना जरूरी है। स्पीकर और लिसनर के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा आ रहा, बच्चे का आई कांटेक्ट दे रहा है, सिटिंग है, अपने एज के साथ क्या है, बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, अपने मदर फादर और फैमिली मेंबर जो भी हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये सारे माइलस्टोन आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि हाँ बच्चा डिले हो रहा है या अपने एज के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत ही स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आई होप आपको अर्ली साइंस ऑफ डिले, स्पीच एंड लैंग्वेज के समझ आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हेल्प फॉर स्पेशल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।